हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। भोजपुरी फिल्म अवार्ड के बारे में क्या शुभकामना देना चाहेंगे? देखिए, तमाम भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने हमारे साथी कलाकार हैं या टेक्नीशियन हैं या निर्माता हैं, सब लोग बहुत मेहनत करते हैं और इसको एक सम्मान दिलाने का काम सर्वप्रथम श्री विनोद गुप्ता जी ने शुरू किया 13 वर्ष पहले। ये 40वां वर्ष है मैं भोजपुरी फिल्मों में अभिनय कर रहा हूँ, 16 वर्षों तक नायक रहा, लेकिन हमारे नसीब में ऐसा मंच नहीं, ऐसा प्रोग्राम नहीं, ऐसा आयोजन नहीं। और आज की पीढ़ी को ये मिल रहा है आयोजन, पहचान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चलते, टेलीविजन पे, अखबारों में, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप जो मेहनत करते हैं इसको जनता तक अवार्ड से पुरस्कृत करके पहुंचाने का काम विनोद गुप्ता जी ने पिछले 13 वर्षों से किया है। तो सच पूछिए तो मैं दिल से विनोद गुप्ता जी को धन्यवाद देता हूं जो हम लोगों के लिए इतना बड़ा काम। सर, आपकी आने वाली फिल्मों के बारे में जानते हैं? आने वाली फिल्में बहुत सारी हैं। अब क्या आकाश जी की फिल्म आ रही है आँख में चोली के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरे बेटे आकाश सिंह यादव की फिल्म अभी पिछली फिल्म उसकी रिलीज हुई थी चोर पुलिस, अभी उसकी फिल्म रिलीज होगी आँख में चोली, उसमें मैंने अभिनय नहीं किया, वो नायक है उस फिल्म के, और 3 फिल्में अभी उनकी शुरू हो रही है तो नाम बताना अभी चूँकि वो एसोसिएशन से फाइनल नहीं हुआ है तो नहीं बताना चाहूँगा, चूँकि चोर पुलिस फिल्म का निर्माता मैं था और मैंने फिल्म का नाम रखा था चोर मचाए शोर, तो टाइटल पहले बताया उसको लेके डिस्प्यूट होता है, बाद में मुझे चोर पुलिस कहना पड़ा, करना पड़ा, तो इसी वजह से वक्त आने पे उसका टाइटल बताया। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।